प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जिस सीट पर पूरे देश की निगाह टिकी है, वहां गत चुनाव की तुलना में हुए अधिक मतदान से नया संदेश आता महसूस हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि शहर सीट पर मतदान प्रतिशत बढ़ने के साथ ही भाजपा की जीत का मार्जिन भी बढ़ता गया है। इस सीट के लिए इस बार अब तक का सर्वाधिक मतदान हुआ है, लिहाजा नतीजे की चर्चा से अलग संभावित मार्जिन पर अनुमान लगाए जाने लगे हैं। यह माना जा रहा है कि शहर सीट के लिए जीत हार का अब तक का सबसे बड़ा अंतर सामने आएगा। उत्साही भाजपाइयों में चर्चा तो प्रदेश की सबसे अधिक मार्जिन वाली जीत में से एक होने की भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव मैदान में होने से गोरखपुर शहर सीट का वीवीआईपी होना स्वाभाविक है। इस विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को कुल मतदाताओं में से 55.12% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह पिछले 4 चुनाव में रिकॉर्ड मतदान भी है। माना जा रहा है कि विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुनने के विकल्प को देखते हुए गत चुनाव की तुलना में अधिक मतदाता इस बार घरों से निकले। 2022 के पहले 3 विधानसभा चुनाव में मतदान और जीत के अंतर को देखें तो सबसे कम 28.62% वोट 2007 के चुनाव में पड़े थे। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने 23,392 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। 2012 में मतदान प्रतिशत इसके पूर्व की तुलना में बढ़कर 46.12% हुआ तो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अग्रवाल की जीत का मार्जिन बढ़कर 47,454 मतों का हो गया। जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का उत्साह अपेक्षाकृत बढ़ा, तब शहर क्षेत्र में 50.98% मतदान हुआ था। मतदान प्रतिशत बढ़ने के साथ भाजपा की जीत के मार्जिन की बढ़त का क्रम भी बरकरार रहा, तब जीत का अंतर 60,730 वोटों का रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान के आंकड़े बताते हैं कि इस बार इस क्षेत्र में अब तक का रिकॉर्ड बना है। शाम 5 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में 51.98% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पूर्व के चुनाव के मतदान प्रतिशत को पीछे छोड़ चुके हैं। 6 बजे तक यह बढ़कर 55.12% हो गया। मतदान का यह बढ़ा प्रतिशत पूर्व के चुनावों की प्रवृत्ति पर कायम रहा तो भाजपा प्रत्याशी के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विनिंग मार्जिन भी नए रिकॉर्ड के रूप में सामने आ सकती है। अब आंकड़ों पर गौर करें तो 2007 में मतदान प्रतिशत 28.62% था तथा भाजपा की जीत का मार्जिन 23,392 वोट का था। 2012 में मतदान प्रतिशत 46.19% था तो भाजपा की जीत का मार्जिन 47,454 वोट का था। 2017 में मतदान का प्रतिशत 50.98% था तो भाजपा की जीत का मार्जिन 60,730 वोट का था। अब जबकि 2022 में मतदान प्रतिशत 55.12% है तो भाजपा की जीत के मार्जिन का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। इस संबंध में शहर विधानसभा के नागरिक ने बताया कि मतदान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमने एक अच्छी सरकार चुनने में अपना वोट किया है, इसलिए सभी नागरिक विकास व दंगा मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के नाम पर वोट ज्यादा पड़ेगा जिससे सरकार बनाने में मदद मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शहर विधानसभा के नागरिकों ने कहा, डालना
डॉक्टर सुश्रेया तिवारी, पहले तो आप सभी जनता को मेरा नमस्कार। और मैं कहना चाहूँगी, पहले मतदान, फिर जलपान। और मेरे मुद्दा थे कि जिन्होंने महिलाओं का साथ दिया है, महिलाओं के सशक्तिकरण में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जिनके वजह से आज हम सब महिलाएं सुरक्षित हैं, जिनके वजह से हम आज अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं, हम लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं उनका साथ दूंगी जिन्होंने हमारे देश का विकास किया है, हमारे शहर का विकास किया है। मेरा मेन मुद्दा विकास और सुरक्षा है। ये मेरा सेकेंड टाइम है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सारे प्रिकॉशंस जो भी कोरोना से थे वो भी फॉलो किए जा रहे हैं, तो ये चीज़ देख के भी अच्छा लग रहा है। व्यवस्था कैसी है यहाँ की? व्यवस्था बहुत अच्छी है। कैसा लगा आपको यहाँ मतदान करें? मतदान देते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जो है अभी हम लोग मतलब अंदर जब गए भी थे तो भी जो है मतलब एक सिंगल सिंगल करके सबको अच्छे से देखा जा रहा था कि फेस सबका की सेम है कि नहीं है, तो ये सब सही थे। मनाली सिंह। मतदान किया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आप पहली बार या? नहीं, दूसरी बार। कुछ कहना चाहें जो लोग मतदान नहीं कर रहे? कई लोग आता है उसके बाद भी घर से नहीं निकलते। मैं बोलूँगी कि सबको आके मतदान करना चाहिए। सुधा सिंह। बहुत अच्छा लगा। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो घर से निकलते नहीं है। नहीं नहीं, मतदान तो अपना अधिकार है, सबको निकल के करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह। पहली बार मतदान है? नहीं नहीं, कई बार हो गया। आपको क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग मतदान नहीं करते, घर से निकलते नहीं? बाहर निकलें, दंगा मुक्त
सरकार के लिए वोट दें, राष्ट्र के नाम पर वोट दें, जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें। शुभम मिश्रा। मतदान किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अनुभव बहुत अच्छा है। पहले मतदाताओं से अपील है कि सब लोग घर से निकलें, वोट डालें, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएं। बहुत अच्छा वोटिंग लग रहा है, मैंने सबसे पहला वोट आज अपने बूथ पे किया, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर से निकलते नहीं हैं वोट के लिए, उनके लिए क्या संदेश है? उनसे कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब वोट करेंगे तब वोट का परसेंटेज ज़्यादा होगा और सरकार बनाने में अहम भूमिका रहेगी आप लोगों की। अब पब्लिक से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब लोग वोट ज़्यादा से ज़्यादा करें, आने वाले चुनाव में भारी मतों से विजयी सबको बनाएं। गौतम गुप्ता। आपने पहली बार मतदान किया है? हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मैं देश की विकास में एक बहुत बड़ा भागीदारी किया है मैंने। बहुत ऐसे लोग हैं जो मतदान के लिए घर से बाहर नहीं निकलते, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही संदेश है कि अगर आपको ये मौका दिया जा रहा है आपके सरकार द्वारा तो आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। सोनल गुप्ता। मतदान किया आपने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है अपने इस राइट को यूज़ करने में। क्या संदेश है उन लोगों के लिए जो निकलते नहीं हैं? उन्हें बिल्कुल निकलना चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप बोल सके देश में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कम से कम एक वोट देने के लिए तो बाहर आना चाहिए। चंद्रमुखी द्विवेदी। आज आप मतदान करके आए, कितने साल एज है आपसे? 90। बता दीजिए। 90 साल। कैसा लगा मतदान करके? जोर से बोलिए माता जी। बहुत अच्छा लगा, और बहुत हम चाह रहे हैं कि योगी मोदी जब तक रहे वही रहे प्रधानमंत्री, वही रहे मुख्यमंत्री, हमारे लिए वही सर्वोच्च। बहुत कुछ किया उन्होंने, हैं वैसा कोई आज तक आया नहीं, ना आ पाएगा हमें लगता है। मतदान जरूर करना चाहिए, हमारा अधिकार है। एक हमारा अधिकार है ये, इसलिए मतदान तो बहुत जरूरी है, करना चाहिए। डॉक्टर गंगाधर द्विवेदी। करके आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मतदान करके, और जो हम लोगों ने सोचा था वो सपना साकार हो रहा है हम लोगों का। 10 तारीख को फिर से मोदी योगी जी की सरकार बन रही है। चंद्रधर। और विकास के मुद्दे पे हम लोगों ने मतदान किया है, और योगी जी को पुनः देखना चाहते हैं हम लोग। जी। बहुत से लोग जो है मतदान नहीं करते, उनके लिए क्या संदेश है? मतदान ये मौलिक अधिकार हम लोगों का है, सभी लोगों को मतदान करना चाहिए अधिक से अधिक संख्या में, इससे ये अपना मजबूत होता है, निष्पक्ष सरकार बनती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। हम तो ये ले कि राष्ट्र सुरक्षित हाथों में है, इसलिए मैंने भाजपा को वोट किया, क्योंकि बाकी पार्टियां राष्ट्र सुरक्षित है तो आपस में लड़ते भिड़ते रहे तो ठीक है। डॉक्टर श्वेता भट्ट। मैं मुख्यमंत्री ही रहेंगे योगी जी। किन मुद्दों पर? मुद्दे रोजगार हैं, जिनमें मोदी जी ने योगी जी ने काफ़ी काम किया है पिछले 4-5 सालों में, लगातार बिना घूस के जो फेयरनेस दिखा है, जो चीज़ें हुई हैं, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं अभी लास्ट टीचिंग में, जितनी भी 5 सालों में हुई हैं, सब फेयर हैं, तो हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लोगों को प्लेसमेंट मिल रहा है, वो भी बिना किसी घूस के। दैट इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग। तो